ऐसा नहीं बनाते नहीं। चलो फिर आप उस तरह बनाते हैं ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो पूछा ही नहीं आप कैसी हैं, मैंने तो पूछा ही नहीं था अभी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप भी सारे ठीक ठाक हैं? ओ बाल डर गया, बाल डर गया बच्चा, ओ भाई डर गया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? अक्सर तो मेरे ख्याल से सिलाई वगैरह अभी कपड़े करने लगी, कहती है मैंने कुछ कपड़े वगैरह स्टिचिंग करती हूँ तो मशीन पकड़ के अपनी फिर रही है, ऐसी स्टिचिंग करने लगी। इसको थोड़े पैसे लगा लें, 200-300 लगा लें, आपकी मशीन ठीक हो जाएगी। बरल जी, मेरे ख्याल से 3-4 दिन गुजर गए, मैंने ना फिश का पानी नहीं चेंज किया, तो अभी इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ना फिश का पानी जो है ना ये चेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास 4 फिश है, 2 मैं नहीं लेके आया था, 2 अलीपुर वाली है और 2 लाहौर वाली है। आप चेंज कर देंगे फिश का पानी? है कर दें, आप कर दें, कुछ नहीं होता। और सही बात है, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा उलझन किस चीज से? अक्सप्त आएगी, ये जो बोल रहे हैं, ये जब बारिश हो जाती है और पीछे ये टिड्डियां और ये मेंढक जो बोलने शुरू करते हैं, पता नहीं बंदे को लगता है मैं किस इलाके में बैठा हुआ हूँ जिधर आगे पीछे कोई नहीं है। असल में जब हम अलीपुर फाजल टाउन में रहते थे ना, उधर जब बारिश होती थी ना साइड पे, इसी तरह वो पानी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा खड़ा होता था। जो तो हमें पहले से देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि कितना पानी होता था। वहां से ये वाली सेम आवाज आती थी, वहां पे ना मुझे रात के टाइम बहुत ज्यादा डर लगता था क्योंकि घर इतना सेफ नहीं था, वो वाली फील आने लग पड़ती है। मतलब ऐसे डर नहीं लगता लेकिन फील वो आती है। अच्छा, कोई चीज वैसे पड़ी हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप पकड़ के जाके कहीं रखने लगी ना तो फिर पकड़ने लग पड़ती है। हेलो, दे दो वापस, दे दो, मैंने लेके दी मेरी बुक, वापस दे दो मुझे, दे दो। तो बारल जी पहले इस तरह करते हैं, अपनी फिश का जो सा पानी है ना ये जल्दी जल्दी जाके चेंज करते हैं। सिंक इधर वाला खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैं निकालूंगा फिश को और जल्दी जल्दी पानी चेंज कर लेते हैं। वो पकड़े ऊपर से आपका टास्क है। चलो, मेरा तो नहीं आता यार। अच्छा, क्या है ये जिंदगी में ऐसे काम, मतलब चीजें पकड़ेंगे तो फिर मैं नहीं। वो तो सारों को पता है, जिस तरह आपने फूल यहाँ पे बैठ के लगाए थे ना, सारों को पता है आपने वाकई काट लेना था। बल जी मेरा हैंड तो जो आराम से पहुंच जाता है, मुझे कोई भी चीज अगर फॉर एग्जाम्पल रखने की जगह नहीं ना मिलती तो मैं शेल्फ के ऊपर रख देता हूँ। कभी शेल्फ के ऊपर देखना सी मैंने क्या क्या, कौन कौन से कागज ऊपर संभाल के रखे हुए हैं, कौन कौन से TCS के शापर मैंने ऊपर रखे हुए हैं। पहले हम पानी जो है वॉशरूम में चेंज करते थे सिंक में, अब यहाँ पे करने लगे। मैं इधर कर लेता हूँ, बोरिंग बोरिंग सा होता है कोई नहीं, अभी पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाए ना ऊपर आ जाए, इतना पकड़ूंगा ना तो दब जाएगी। फिर इसने जंप लगा, इसने जंप लगा दी, जंप कर रही है, ये वाली फास्ट भी बहुत है ना। आधी ये फिर रही है, नहीं थी हाथ आ रही, मैंने इसमें छोड़ के ये फिर अली ने इससे पकड़ ली है। ये भी सही बात है, बड़ी मजे की ड्यूटी होती है। देखिए आज क्लियर नजर आ रही है, कितनी मजे की लग रही है। वैसे मजा आता है ना, इस तरह बंदे कुछ चीजें रखी हो ना पानी शानी, बंदा उनका चेंज करे। कितनी क्यूट लग रही है, आज क्लियर नजर आ रही है, ये बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं इनके। ये तो अपने साफ सुथरे जार में चलेंगी, ये पानी भी डाल दिया और अब डलेगा सॉल्ट, सिर्फ इतना सॉल्ट डाल। ये सॉल्ट भी खाती हैं, फिश वाले ने मुझे बताया था। हाँ। इसलिए डालता हूँ, कहता है कि मतलब समंदर का पानी होता है वो नमकीन होता है। हाँ। तो आप अंदर इतना सा नमक डाल दिया करें। अक्सा का ना फिश का कलर जो है ना, इतने प्यारे प्यारे कलर देख के ना अक्सा का भी दिल करने लग पड़ा कि आज ना हम कस्टर्ड बना लेते हैं, लेकिन दूध का यही है डिब्बा, दूध लाने वाला हुआ है तो। इस तरह करें, देखें ये कस्टर्ड के लिए काफी है, है। काफी है। हाँ। अगर तो कस्टर्ड के लिए काफी, दूसरा मैं चीते से मंगवा लेता हूँ, चीजें फिर सुबह ले आऊँ दूध बाकी। हाँ, सुबह ले आएंगे। जाली पड़ी है ये कि नहीं? जाली पड़ी, जाली भी पड़ी है। वो तो मेरे ख्याल 3-3 डिब्बे पड़े होने जाली के। मैंगो भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी पड़ी है, मैंगो पड़ी हुई है। कौन सी डालेंगे? स्ट्रॉबेरी में मैंगो डाल दें? मैंगो डाल दूं? हाँ, आपको क्या लगता है? थोड़ा डिफरेंट से कलर, कलर मुझे मजे का लगेगा। आज मैंने तो जाली खानी है ना। और मेरे ख्याल से मैं उतनी देर गोश्त के पैकेट भी निकाल लूं, बाद में खाना भी बनाना है। आज 3 नहीं निकालने, 2 नहीं निकालने, 4 निकालने हैं। और जब लास्ट वाली वीडियो में हमने ये बात डिस्कस किया ना, नीचे कमेंट्स भी आए हुए थे कि अली भाई हमारे साथ भी ये सीन बन रहा है, पता नहीं पहले तो कभी इस तरह नहीं होता, मटन के साथ डालते इतना ज्यादा है, जब वो कुकर से निकालते हैं उसको मतलब बना के तो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है। हुई 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 हुई, कितने ठंडे हुए पड़े हैं, सही बात है। अब देखिए आपके नहीं कम रहेंगे, आज भाव बनाइए, आज बोते हो जाए, नमकीन बनाना है, नमकीन बनाना है ना। हाँ सही है, ठीक है, उसके अंदर काफी रहेंगे, ये वाले काफी, 4 पैकेट निकाले, अब देखते हैं कि ये कितने बनते हैं। क्या मसला है आपको? कस्टर्ड खाती हो नहीं है, जेली आपको पसंद है, अक्सर इसको ना एक दफा जबरदस्ती खिलाएं, इसको लगता है कि पता नहीं कस्टर्ड का टेस्ट कैसा है। हाँ। खाएगी तो इसको अच्छा लगेगा। अच्छा, जेली की इतनी मजे खुशबू आ रही है, ये उल्टे काम सारे मैं अक्सर से करवाता हूँ, मतलब कि स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के अंदर मैंगो जेली डाल दिया, पता नहीं उल्टा काम है कि नहीं। बरल आपको जेली जोन जेली की खैर ही होती है, वैसे जोन सी मर्जी डाल दें। आपने जेली खानी है या कस्टर्ड बता के जाओ, इधर आओ मुझे, जेली खानी है या कस्टर्ड? कस्टर्ड खाना है आज, तो कस्टर्ड खाने का कह रही है अक्सर, ये जेली खाती हूँ। ले आऊं खाने के लिए? क्यों, रेडी हो नहीं गया? नहीं अभी नहीं रेडी हो, अभी उसमें खड़ा होना है। क्या कह रही हो? कस्टर्ड
कस्टर्ड अभी फ्रिज में मामा ने रेडी करके रख दिया, ठंडा होगा। पहले ओला गुलनाज कह रही खा लिया, गुलनाज कह रही खा लिया, कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन में। चलो साथ ही अपनी फरमाइश शुरू होगी, अंदर उसकी भी शुरू हुई है फरमाइश, दोनों का इकट्ठे दूध याद आ जाता है। आवाज सुने जरा अक्सर भाई की, बस सुन के ना नींद ही आने लग जाती है। अक्सर ने मुझे कहा लहसुन वगैरह मैं जोन से ना खुद छील लूंगी, मैंने कहा जितने दिन आप ये गोश्त वगैरह साफ करी ना, मैं लहसुन जोन से ना वो छील के डालता हूँ, बरल जिस तरह का टूटा पर जाता था मैंने, नहीं टूटा पर जाता नहीं है वैसे, मैं ठीक ही कर लेता हूँ, लहसुन तो छील के डाल ही देना। हाँ बाकी गोश्त वगैरह अक्सर ने वॉश कर दिया, अभी बस ऊपर रखने लगे, आज हम जोन से ना थोड़ा ज्यादा बना रहे हैं। और दूसरा वो क्या कहती है जो कस्टर्ड है हो गया होगा ठंडा, तो उसको नीचे रख दूँ, काफी डेढ़ घंटा हो गया वो रखे हुए को, रख दूँ ना नीचे। ले जी खोले प्रेशर कुकर, आज तो अच्छा खासा टाइम लग गया। वो वाह जी वाह, आज तो पानी भी नहीं खुश करना पड़ेगा। आज मैंने क्योंकि पूरा टाइम लगाया। खुशबू आ रही है जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मजे की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पानी कर लिया अंदर। इस तरह का सीन होता है जब इस तरह को खाना वगैरह बन जाता है ना, तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, जो मेरा वेट करने का टाइम होता है ना उस दौरान मेरे साथ ये सीन बनता है कि मेरा दिल करता है बस जल्दी जल्दी खाना बन जाए मैं खा जाऊँ। वो देखिए आपकी मेरी बहुत सच हुई है, कितना डरा था ये हाफ हाफ इतना ही था ना, देख लो नीचे चला गया, इसीलिए यही ना गोश्त उमड़ जाए तो श्रिंक सा हो जाता है। असल में होता है ना जो फूडी किस्म का बंदा मेरे जैसा, ठीक है देसी फूडी किस्म का बंदा, उससे इस तरह देख के ना खाना वेट नहीं होता बिल्कुल इसी तरह ही। मैंने तो बुनाई होने वाली, मैंने तो अपनी ये दो बोटियां निकलवाई, गल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गया हुआ, मैंने कब थोड़ा ट्राई करते हैं कैसा बना हुआ है। पहले खानी थी और मैं खाने लगा, नमक पकड़ लिया मेरे से, नमक मिर्च ठीक है परफेक्ट है बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, बहुत मजे का बना होगा इंशाल्लाह। इधर जी अक्सा अपने बच्चे के टॉय सारे इकट्ठे कर रही है, इसने ना ये अपनी गाड़ी की बास्केट बनाई हुई है, उस रूम में से गाड़ी निकाल के इधर ले आती है, सारे अपने टॉयज निकालती है बाहर और खेलने लग पड़ती है। अभी इसको पता चल रहा होता है ना कि मेरे टॉयज उठा रहे हैं, रोले डाल देने। एक हमारा बच्चा सोया हुआ है और एक अभी माशाल्लाह माशाल्लाह ये उठ गया, अक्सा उठ गया, इसकी आईज भी साफ कर देना उस साइड से ना, देखें दो देख कैसे रहा गुस्से से हमें, ओए ये देखना जरा आपको देखने लगा हुआ है। हाँ, मैं इसको पकड़ती हूँ अभी जाओ। और एक हमारा काका जोन सा यहाँ पे ये नीनी कर रहा है, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाना, मिच्छू चोनी बच्ची खाना नहीं खाना उठ जाए, नहीं जी को नहीं खाना हमने खाना, ओ माँ छोड़ गई, ओ मेरा बच्चा कहा हुआ, मेरे बच्चे को नीनी आई पड़ी है। एक बच्चा उठा साथ दूसरा भी उठ गया, ये तो हम एवं अपनी नींद एवं पूरी कर रहे थे, है ही कोई नहीं थी ये तो नींद हमारी। चलो उठ जाओ मेरा बच्चा, उठो खाना खाते हैं चलो। और अक्सा अपनी सिलाई मशीन ठीक कर रही है, मामा ने आपके सारे टॉयज रख दिए उठा के अंदर रूम में ना, ठीक है ठीक है। ये ले जी, ये ले जी, गर्मा गर्म सालन भी आ गया, बस चपाती भी उनसे होएगी रह गई। क्या हुआ है आपने उसको उठते तो दूध याद करवा दी है, खाना खाएगी फिर दूध मिलेगा। चलो अब उसने इस नहीं करना थोड़ी देर। चलो जी हम तो जा रहे हैं निमरा गुलनाज के पास के दियो और मेरा दूध, मुझे नहीं पता मुझे मेरा दूध रेडी करके दे। मैं एक दफा फिर माइक्रोवेव में लगा के लिए आया हूँ, मैंने कहा क्योंकि ये ठंडा ठंडा हो जाए ना फिर सारा ऑयल सा जम जाता है अंदर। क्या लेने जा रही हो? ये जी कस्टर्ड की खुशी चेक करें, मामा तो बैठी हुई है ना, अक्सा बस बहुत तंग कर दिया मेरे बच्चे को पहले, ठीक है ठीक है। चलो चलो जल्दी जल्दी बाउल लेके आते हैं, साथ कस्टर्ड निकालते हैं, ठंडा ठंडा हुआ होगा करके। ओए होए 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 होए, इतनी खुशी कस्टर्ड खाने की, इतनी खुशी मैं तो देखते हैं अभी आप देख रहे हैं, कस्टर्ड नहीं खाना इसने जेली खानी, उसकी एक्साइटमेंट है, मुझे लगता है कस्टर्ड खाएगी, हो भी सकता है, सुरूर आ गया ऐसे करके, ऐसे करके सुरूर आ गया, आय हाय 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 सुरूर आ गया। मैं तो कहता हूँ चार स्पून पकड़े, ठीक है हेलो चार स्पून पकड़े इसी में शुरू हो जाते सारे। नहीं वैसे वो स्प्रिंकल्स डालने, बाउल निकालने, साथ स्पून वगैरह निकालने, मजे का लगेगा, स्प्रिंकल्स डालने ऊपर, स्प्रिंकल्स ये कैसे डालने, ये स्प्रिंकल डाल रही है। बाकी की चीजें तो हमने निमरा कही, निमरा कहती मैं लेके आ जाती हूँ, इसने नहीं खाना इसको बिठा दे अब्दुल्ला को भी, ओ भाई ले आओ आयशा से बहुत कोई सब्र नहीं हो रहा, सही बात है हम बहुत एक्साइटेड है कस्टर्ड खाने के लिए, हमारे से वेट ही नहीं हो रहा। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले जल्दी करो, बिस्मिल्लाह हमारे बिस्मिल्लाह पढ़नी है। मुझे दो। सर जी आपने नहीं खाना, हेलो कस्टर्ड नहीं खाना आपने, वेट वेट ऐसे जैसे इसको हमने डाल के दे देना, इसने खुद ही खाना है, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। लो जी मैंने डाल लिया, खाना है मेरे बच्चे ने कस्टर्ड।